नमस्कार, मैं सुमन और आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। आइए हम नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे लखनऊ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नया नियम निकाला है। इस नियम के अनुसार अब सभी मंत्री को अपना अपना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। 1981 में एक कानून बनाया गया था जिसमें बताया गया था कि हमारे प्रदेश के सभी मंत्री गरीब हैं और अपना अपना वो इनकम टैक्स नहीं भर सकते हैं, लेकिन इस समय सभी मंत्रियों की राशि बढ़ा दी गई है, जिसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिया है कि सभी मंत्री अपना अपना आयकर खुद भरेंगे, सरकारी खजाने से उनका आयकर नहीं भरा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की। बलरामपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वहाँ एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने मानसिक रूप से विक्षिप्त 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। जिस समय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया उस समय उसकी मां घर पर मौजूद नहीं थी। फिलहाल में मां की शिकायत दर्ज कराने पर FIR दर्ज कर ली गई है और उस युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। फिलहाल में बच्ची को मेडिकल के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे यूपी की, नोएडा की। इन दिनों नए नए यातायात के नियम बनाए जा रहे हैं और इसका सख्ती से पालन भी किया जा रहा है, लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि हमेशा ऑटो के इसलिए चालान काट दिए जाते हैं कि वो हेलमेट पहन के ऑटो नहीं चला रहे हैं। लेकिन नोएडा से एक मामला सामने आया है। मामला ये है कि वहाँ पे मरीज को ले जाते वक्त एक एम्बुलेंस का चालान काटा गया है। चालान की राशि है 500 रुपये। ऐसा 5 साल में पहली बार हुआ है जब एक एम्बुलेंस का चालान काटा गया है। ये ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही बताई जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे जालौन की। जालौन में श्री गांधी इंटर कॉलेज में गांधी जी की प्रतिमा को कुछ अराजक तत्वों ने कल रात को तोड़ दिया, जिससे वहां के लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए। विद्यालय के प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के गांधी जी की प्रतिमा को सही कराया है, लेकिन कुछ सफाई कार्यकर्ता और कांग्रेसी कार्यकर्ता इस बात को लेकर के, इस मामले को लेकर के विरोध जताना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया है। पुलिस ने विद्यालय प्रशासन की शिकायत दर्ज करते हुए FIR दर्ज कर ली है। इसके बाद हम बात करेंगे वाराणसी की। वाराणसी के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में यातायात के नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, जिसका सख्ती से पालन भी हो रहा है, जिसमें नई नई खबरें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा चालान काट दिया गया है। बहुत ज़्यादा राशि के चालान काटने की वजह से कुछ लोगों के हार्ट अटैक, आज के मृत्यु भी हो चुकी है। इन्हीं के बीच यातायात के नए नियमों का विरोध प्रदर्शन सामने आया है। वाराणसी के लंका में सपा कार्यकर्ताओं ने हेलमेट पहनकर साइकिल चलाते हुए विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। इसके अलावा उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को गुलाब भेंट करके ट्रैफिक नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। आज के हमारे इन प्रमुख खबरों में बस इतना ही। कल मैं फिर वापस आऊँगी उत्तर प्रदेश के प्रमुख खबरों के साथ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।